उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में सुंदरपुर गांव के एमके विद्यापीठ में उत्तराखंड टारगेट बॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित चयन शिविर में राज्य की टीम चयन के लिए 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया। चुने गए खिलाड़ी 1 जून से होने वाली 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य की टीम प्रक्रिया के तहत सुंदरपुर में एमके विद्यापीठ में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान टारगेट बॉल के रेफरी उपेंद्र मंडल एवं दीपक पांडे ने बताया कि शिविर में 40 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर के लिए 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राज्य की 12 सदस्यीय सीनियर पुरुष टीम का चयन होगा। टीम 12 जून से अलवर राजस्थान होने वाली 11वीं नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेगी। देखिए, टारगेट बॉल जो कि एक नया गेम है और एक इतना अच्छा एक मंच बच्चों के लिए है। बेसिकली इस गेम के थ्रू बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और उत्तराखंड द्वारा जो अभी आज जो ट्रायल का विषय है, जो ट्रायल आज लिया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभिन्न जिलों से आए हुए खिलाड़ी आए हैं और जिसमें आज उनका चयन होगा और वो उत्तराखंड को आने वाले जो नेक्स्ट मंथ है उसमें जो चैंपियनशिप है जो कि 12 जून से 15 जून तक जो राजस्थान में अलवर में आयोजित होने वाली है, तो एक बहुत बड़ा अच्छा कदम, सराहनीय कार्य किया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।